Hi guys, welcome to my YouTube channel Digital Geeks Innovations. जैसा कि आपको पता है कि मेरे यहाँ पर WordPress का डैशबोर्ड खुला हुआ है, तो आज मैं आपको WordPress पे कुछ चीज़ सिखाऊंगी. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या सीखेंगे. तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट पर जो हमारा पेज है, किसी भी पेज का स्लग हम कैसे चेंज कर सकते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लग होता क्या है. तो स्लग होता है कि जैसे आपको मेरा ये डैशबोर्ड दिख रहा है वर्डप्रेस का, तो ये जो यहाँ पर सर्च बार जहाँ पे मेरा ये एरो है, ये आप देख सकते हो जहाँ पे कर्सर है मेरा. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है https://www.admin/index.php. तो यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट है वो है digitalgeeksinnovations.com. तो इसके बाद अब स्लैश के बाद जो भी ये चीज़ लिखी आ रही है wp-admin, ये इस पेज का स्लग हो गया. तो इसको हम स्लग कहते हैं. अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं अपनी वेबसाइट आपको खोल के दिखाती हूँ एक दूसरी विंडो में. जैसे इस विंडो में मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे जैसे हम लोग गए, तो अब जैसे अगर मैं सर्विसेज वाले पेज पे आती हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपने पेज के बाद स्लैश सर्विसेज दिख रहा है. अगर मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे अपने पेज के बाद स्लैश कॉन्टैक्ट दिख रहा है. ये जो कॉन्टैक्ट होता है और ये जो सर्विसेज था, इसे हम स्लग कहते हैं. दिस इज कॉल्ड स्लग. तो अब ये स्लग हम चेंज भी कर सकते हैं. जैसे स्लैश के बाद मैं चाहती हूँ कि कॉन्टैक्ट की जगह कुछ और लिखा आए, या मेरे सर्विसेज पेज जब मैं खोलूँ तो यहाँ पर भी कुछ और लिखा आए. तो यही मैं आपको बताऊँगी कैसे हम चेंज कर सकते हैं. तो हम चलते हैं अपने पेज पे. तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको जाना है पेजेस में. तो आप यहाँ पे गए ऑल पेजेस पे. अब जैसे मुझे अपने कॉन्टैक्ट का स्लग चेंज करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जाना है क्विक एडिट. क्विक एडिट में ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिलते हैं जहाँ हम चीज़ें सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. तो जैसे अब ये टाइटल है, तो टाइटल हमारा आएगा कॉन्टैक्ट, और ये आ रहा है स्लग का ऑप्शन. स्लग अब जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इसकी जगह आए कॉन्टैक्ट अस. मैं चाहती हूँ कि जब मेरा ये पेज खुले तो ये लिखा है. तो बस मैंने यहाँ पर ये चेंज कर दिया और इसे कर दिया अपडेट. अब जैसे मैं चाहती हूँ अबाउट, तो अबाउट को भी मैं स्लग चेंज करना चाहती हूँ, तो टाइटल में अबाउट आएगा. स्लग मैं चाहती हूँ कि लिखा हुआ आए अबाउट अस, तो ये मैंने यहाँ से स्लग चेंज कर दिया और इसको मैं कर देना है बस अपडेट. आपको अब समझ आया कि यहाँ से ये स्लग्स चेंज हो सकते हैं. अब अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो. तो यहाँ से आपको पता है जैसे यहाँ पे जाना है विजिट साइट पे, तो यहाँ से मैं इसको एक अलग टैब में खोलूँगी, अपनी साइट देखूँगी. तो जैसे अगर अब मैं जा रही हूँ अबाउट सेक्शन में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्लग आ रहा है अबाउट अस. अगर मैं जा रही हूँ कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ पे स्लग आ रहा है कॉन्टैक्ट अस. यही मैं आपको बता रही थी. अब जैसे अगर मुझे सर्विसेज का भी करना है, तो मैं सर्विसेज का भी चेंज कर सकती हूँ. तो यहाँ से मुझे सर्विसेज के पेज में क्विक एडिट में जाना है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ आर सर्विसेज, और इसको कर देती हूँ अपडेट. और फिर हम यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं. मैंने सर्विसेज का खोला, एंड इसको एक बार ही रिफ्रेश कर लेते हैं. विजिट साइट, तो देखिए यहाँ पे आर सर्विसेज लिखा आ रहा है, तो ये स्लग चेंज हो गया है. तो दोस्तों यही था जो आज का मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे हम
चेंज कर सकते हैं इसको। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।